देश में पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से परेशान है जनता। सरकार नहीं निकाल पा रही इसका कोई हल, लेकिन मुंबई में एक ऐसा क्लब है जो क्लब से निकलने वाले कचरे से बनाता है बायोगैस और उस गैस से क्लब की रसोई में बनता है रोज 100 से ज्यादा लोगों का खाना। कमरे में बंद ये विशाल सफेद रंग का गुब्बारा क्लब के रेस्टोरेंट और रसोई से निकले गीले कचरे को लिक्विड फॉर्म में तब्दील करती मशीन और इस काम में लगे लोग। एक पंपिंग सेट से इस लिक्विड को भरा जा रहा है इस हरे रंग के भारी भरकम टैंक में, जिसमें बनती है गैस, और इसी गैस से इस क्लब की रसोई में बनता है रोज करीब 100 लोगों का खाना। कचरे से बायोगैस बनाने का ये वो नायाब तरीका है जिससे रसोई गैस की समस्या को बेहद कम किया जा सकता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मदद से बनी इस तकनीक को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है मुंबई के चेंबूर इलाके का ये एमरल्ड क्लब। ये यहाँ पे फूड और नॉन फूड को हम सॉर्ट करते हैं, कहीं गलती से कोई प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, मेटल कुछ भी रहता है तो वो आइडेंटिफाई करके हम लोग साइड में कर देते। बाकी जो फूड होता है वो बकायदा यहाँ क्रशर में क्रश हो जाता है और लगे हाथों उसके अंदर साथ में पानी मिलाया जाता है ताकि एक स्लरी बन जावे, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए वाटर इज वेरी नेसेसरी। तो फूड और वाटर दोनों को मिक्स करके स्लरी बना के फिर हम स्लरी टैंक में पंप करते हैं। और किस तरह से जो बायोगैस बनाई गई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बायोगैस है और इससे यहाँ पर बनाया जा रहा है खाना बाकायदा। ये है इस क्लब के डायरेक्टर निखिल मेहता। निखिल मेहता के मुताबिक कुछ महीनों पहले मुंबई में महानगर पालिका की तरफ से वेस्ट मैनेजमेंट की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां से उन्हें गैस बनाने की ये तकनीक मिली थी, जिसे उन्होंने अपने क्लब में इस्तेमाल किया और आज उनके क्लब से निकलने वाले कचरे का उचित उपयोग हो रहा है और गैस की बचत भी। एंड बीएमसी के वहां उनका खुद का एग्जीबिशन लगा था, हमारे ऑफिशियल सब गए थे, काफी टेक्नोलॉजी वहां प्रेजेंट हुई थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।